नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायोगुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे परीक्षा के पहले परीक्षा की इस घड़ी में मैं सुन त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम रसायन विज्ञान के आगे वाले नामों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से आईपीएससी नाम आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावनाएं 100% है कि वो आपको आने वाली विगत परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये नाम वो है जो आपकी परीक्षा में लगातार आए हुए हैं, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक तारतम्य से मिल जाए। ये उन सभी चैप्टर के हैं जैसे हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्डिहाइड, कीटोन वाले, साथ ही साथ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले, और यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी, यानी उपसा संयोजक यौगिक भी आपसे यहाँ पे पूछते हैं नाम। तो वो सारे नाम लिखे गए हैं जो अब संभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नाम। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ये संरचना दी गई है तो इसका नाम आप कैसे करेंगे? पहले तो इन संरचनाओं में जैसे ही नाइट्रोजन यानी NH3 दिखा, NH2 वाले दिखे, इसका मतलब है कि हम एमीन के नाम की चर्चा करें। और एमीन के नामकरण को आप कैसे करते हैं? तो एमीन के नामकरण को करने के लिए भैया ये ध्यान दीजिएगा कि पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करिए। CH3 लिखा है लेकिन दो बार लिखा है, ये जुड़ा किससे है? तो आप कहेंगे CH से जुड़ा है, तो ये CH यहां पे आपने रख दिया। CH3 दो बार CH3 था, दो बार CH3 लिखा, एक CH3 यहां। अब इसके साथ आप NH2 जोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो अब आपके पास कुछ बचाना है, केवल और केवल नामकरण करना है। कार्बन के नंबर गिनिए। कार्बन के नंबर गिनने के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। जैसे देखिए 1, 2 और 3, अगर हम ऐसे करें तो भी हमारा सही है। 1, 2, 3 अगर आप सीधे सीधे लिख रहे हैं तो भी नंबरिंग आपके पास सही है। तो 3 कार्बन हो गए, यानी कि मेथ, एथ, प्रोपेन वाला कार्बन हमें मिलेगा। लेकिन अच्छा, क्या प्रोपेन वाले कार्बन से हम संतुष्ट हो पाएंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन 1 एमीन, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, 1 propane amine, लेकिन ये थोड़ा सा कम मजेदार होगा। तो यहां पे आप नाम लिखेगा प्रोपेन, ये प्रोपेन 2। देखिए दो नंबर की पोजीशन पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एमीन है भैया, ये एमीन है आपका। तो दो नंबर की पोजीशन पर एमीन जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 2 amine, इतना कर लेंगे और इतना कर लीजिएगा, आपका नाम सही हो जाएगा। ये कितने डिग्री का एमीन है? 1 डिग्री का एमीन है, तो आप यहां पर 1 डिग्री ही दिखा सकते हैं, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हो सकती। 1 डिग्री का मतलब है कि ये एमीन डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस लहजे से ये कैसा है, 1 डिग्री एमीन है। दूसरा देखिएगा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, ये इस वाले स्ट्रक्चर में और इसमें अंतर क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर स्ट्रक्चर में अंतर थोड़ा सा भी आता है तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर दूसरे वाले नाम की चर्चा करें तो ये हो जाएगा आपका CH3, फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये CH2 है, लेकिन इसी के साथ, अब इसी के साथ दो बार ये CH2 ऐसे जुड़ा हुआ है और ये NH2 जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे लिखा गया। अच्छा, जब ऐसे लिखा गया है तो क्या हम इसका नंबर 1, 2 और 3 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और जब आपने इतना नाम लिख लिया तो आपको अभी सरल हो गया, 1, 2, 3 यानी प्रोपेन मेथ है प्रोप, आपने यहां पे लिखा प्रोपेन, अभी तक वहां 2 amine था, यहां पे 1 amine हो जाएगा क्योंकि एक नंबर की पोजीशन पर amine जुड़ा हुआ है, तो 1 amine। बात समझ में आएगी? और अगर इतनी बात समझ में आएगी तो amine वाला नामकरण आप कर लेंगे। अब आगे चलेगा, हम 7वें नंबर वाली पोजीशन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। 7वें वाले में जरा देखिए, फार्मूले के रूप में लिखा गया। फार्मूले के रूप में लिखा होने का मतलब यह है कि यहां पर C2H5 दो बार है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को बनाए तो ये इस तरह से बनेगा, ये आपका हो जाएगा C2H5 एक बार और ये ऑक्सीजन से जुड़ा और ये C2H5 ऐसे बन गया। इसका नामकरण आसान है भैया, आप केवल इतना करिएगा कि ऑक्सीजन को अगर इसके साथ जोड़ रहे हैं, या तो इसके साथ या तो इसके साथ जोड़ लीजिए, दोनों में ऑक्सीजन समान। अगर ये ऑक्सीजन इस एथेन के साथ जा रहा है तो भी, और इसके साथ जा रहा है तो भी, अगर इसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एथॉक्सी और ये एथेन है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा एथेन, ये एथॉक्सी एथेन कर देंगे। ऑक्सी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है इसलिए। अगर आपसे ईथर वाला ने साधारण नाम पूछे तो साधारण नामों को कैसे आपको करना है ये ध्यान रखिएगा। साधारण नामों को करने के लिए आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि ये एथिल है, ये भी एथिल है, दो बार जुड़ा हुआ है, तो आप केवल इतना करिएगा कि डाई एथिल, ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा आपका, बस
ये डाइएथिल ईथर। अगला नाम देखिएगा भैया, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नामकरण कैसे करते हैं। अच्छा पूरा धैर्य बना के रखिएगा ताकि आप वो प्रश्न जान पाए जो परीक्षा में आएंगे। मैं आपसे एक गारंटी ले रहा हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर दिखेंगे। जब आप पेपर लेंगे तो पेपर सेट के दौरान आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हूबहू यही आप पढ़ के जाइए और आप कम समय में पूरी की पूरी जो है ये समझिए कि जो आपके पेपर आ रहे हैं वो हूबहू यहां पे छापे जा रहे हैं। चलिए तो आगे देखिएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर इस तरह के नाम को लिखना हुआ तो हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ये आपका निकिल लिखा है, ये CO लिखा है और इसको चार बार लिखा गया है और इसको ऐसे ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की पहचान होती है कि उनके स्ट्रक्चर से ही रखे जाते हैं, यानी गुप्त सहसंयोजक यौगिकों की यह पहचान होती है कि इसमें लिगेंड वगैरह होते हैं। अच्छा जब इसके नामकरण को करते हैं तो हम इस दौरान क्या ध्यान दें, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अब ब्रैकेट के अंदर चलिए, कितनी बार है CO, चार बार, तो चार बार है तो चार बार के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा। भाई ग्रीक वर्ड लिख रहे हैं, टेट्रा शब्द का इस्तेमाल किया, टेट्रा क्या है तो CO यानी कोबाल्ट टेट्रा, ये ध्यान रखिएगा भैया CO कोबाल्ट वाला नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, यानी कि C कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है और जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे कार्बोनिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल और क्या हो जाएगा निकिल, जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा निकिल। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको बताना हो यानी ऑक्सीकरण संख्या बतानी हो तो ये भी बता सकते हैं, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या फिलहाल यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप ब्रैकेट में देखते हैं तो ये जो चीजें लिखी रहती हैं ये 0 उसकी ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं K4FeCN6 का, पर्सियन ब्लू, ये K4FeCN6 अगर ऐसा नाम आ जाए और आपसे पूछ ले कि इस कंपाउंड का क्या नाम होता है तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को हल करिए। ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को हल करने का मतलब है कि यहाँ पे पोटेशियम है, अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो सबसे पहले बाहर के नामों को यहां लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर चलिए, 6 लिखा है तो 6 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं हेक्सा, और सीएन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे भैया तो साइनो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया साइनो, यानी पोटेशियम हेक्सा साइनो, और आयरन के लिए यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे फेरेट, ये हो जाएगा FERET। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट जो नाम होगा ये K4FeCN6 का हो जाता है, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे फेरेट यानी आयरन की जो आती है वो आती है कितनी भैया 2, तो इसको रोमन नंबर में ऐसे क्वाड्रेंट कंपाउंड में दिखा दिया जाता है। फिर आगे चलेगा, अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो ये अगला एक कंपाउंड आपके पास है पोटेशियम का ही है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा और बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें आने लगेंगी। चलिए देखिएगा, अगर हम K3 यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि आपके पास K3 है और एल्युमिनियम ब्रैकेट के अंदर आपके पास एल्युमिनियम और C2O4 है, तो C2O4 को क्या आप बता सकते हैं कि इसका और नाम क्या होता है C2O4 को अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑक्सलेट आयन है भैया, ऑक्सलेट आयन का मतलब COO- और CO- बाइडेंटेड कंपाउंड है, यानी कि द्विदंती लिगेंट है। आपसे पूछा जाता है कि एक दंती लिगेंट किसे कहते हैं और द्विदंती लिगेंट, तो एक दंती का मतलब है ऐसे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए केवल एक लोन पेयर उपस्थित हो, और बाइडेंटेड का मतलब है, द्विदंती लिगेंट का मतलब है कि जब कोई भी यौगिक या तत्व तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी सेंट्रल एटम को देता है तो बाइडेंटेड लिगेंट कहलाता है, जिसमें उदाहरण आपका आएगा COO यानी कि यस। चलिए तो आइए इसका नाम लिखते हैं। अच्छा इसका भी पहले वाली तरह, जैसे पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर है तो यहां पे लिखे पोटेशियम, ये आपने पोटेशियम लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर चलिए। अच्छा ब्रैकेट के अंदर जब आप चलेंगे तो पोटेशियम हो गया, और ये 3 को क्या लिखते हैं, 3 ना लिखेगा ट्राई लिखेगा, तो ये हो गया पोटेशियम ट्राई, और C2O4 का मतलब ऑक्सलेट आयन, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट, और एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे भैया, एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे बताइए, एल्यूमिनेट, एल्युमिनेट हो जाएगा एल्युमिनेट। अच्छा एल्युमिनेट हो जाएगा तो यहां पे अब ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालें, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या, और एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या भैया यहां पर कितनी हो जाएगी 1, 2 और 3, कितनी हो जाएगी 3। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल कैसे रहे, बहुत आसान है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसको मान लीजिए जैसे पोटेशियम पे 3+ है, मान लीजिए पोटेशियम पे 3+ है, क्यों, क्योंकि 1 पोटेशियम पे 1+ चार्ज, तो 3 पोटेशियम पे कितना प्लस चार्ज 3, तो अगर ये आपका 3+ चार्ज है, एल्युमिनियम का निकालना है तो x मानिए, और CO ऑक्सलेट आयन में एक आयन ये, तो ये -2,
और कितनी बार है तीन, तो तीन से गुणा करिए कितना आ जाएगा छह। इसको x की वैल्यू आप अगर निकाल लें, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा x बराबर तीन दुना छह माइनस छह, और ये तीन उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और जब ये प्लस में आ जाएगा तो तीन, और ओवरऑल आपके पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर बचेगा माइनस का तीन, और ये तीन वही लिखा गया है रोमन नंबर में। तो आपको बात समझ में आया कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है आपका, ये प्लस थ्री आ जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम पे प्लस थ्री चार्ज आता है। अगला देखिएगा भैया, ये लास्ट वाला ये है कॉपर CuNH3, और ये चार बार है लेकिन बाद में इसके सल्फेट आयन, जो पहले मिले उसका नाम पहले, जैसे कॉपर है लेकिन NH3 यानी अमोनिया के साथ जुड़ा है, चार अमोनिया है, तो इसके लिए चार अमोनिया है, तो पहले इसको मत लिखिए, पहले इस लिगेंड को लिखिए। ये हो जाएगा चार बार लिखा है, तो आप यहां पे लिखिए टेट्रा NH3, टेट्रा है NH3 का मतलब है एमीन, ये एमीन, टेट्रा एमीन, और Cu यानी कॉपर लगा है, तो कॉपर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट लिखिए कॉपर, ये हो जाएगा कॉपर। अब ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे क्या हो जाएगी, आप जरा निकाल के देखिएगा, और मेरे हिसाब से ये दो आएगी, यानी एग्जैक्ट दो आएगी, और अगर दो आ रही है तो उसके बाद अब सल्फेट बच गया, SO4 बच गया, और SO4 बच गया तो उसके बाद अब SO4 को चिपका दीजिए, और SO4 को चिपकाने का मतलब है यहां पे बड़े आराम से सल्फेट लिख के आप खाली हो जाइए। तो ये नाम थे IPSC जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के थे, बेहद इंपॉर्टेंट है, या मैं कह सकता हूं कि आप इन्हीं को पढ़ के जाए, परीक्षा में आपको ब्रह्मास्त्र की तरह लगेगा, यानी आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा। चलिए एक नाम और मैं आपको दे रहा हूं, और आप प्रयास करिए कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं इनको मिटा रहा हूं, और आप अगर इनको याद करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कैसे भी करके इनको समझ लीजिएगा। बाकी के लेक्चर्स आपको लगातार वीडियो में मिलते रहेंगे, और अभी ढेर सारे रिएक्शंस भी आपके सामने आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है आयरन Fe H2O, ये H2O, और ब्रैकेट में ये आपके लिखा गया है आपका छह बार ले लेते हैं, ये छह बार ले ले रहे हैं, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा है, लेकिन बाद में मैं यहां पे Cl3 ले ले रहा हूं। अब इसका नाम कैसे करें, तो नाम आसान देखिए, जैसे अगर ऐसे मिल जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाले इस नंबर को पहले यहां पे लिखिए, कितना लिखा है छह, और छह के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा, छह के लिए हेक्सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हेक्सा हो गया। और पानी H2O के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे भैया, पानी नहीं, एक्वा, एक्वागार्ड सुना, एक्वारेजिया, तो एक्वा पानी से आया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे भैया, AQUA, ये हो गया आपका एक्वा, यानी हेक्सा एक्वा। अब आयरन की ऑक्सीडेशन, अरे भाई आयरन ये लिखा, उसके बाद आयरन सेंट्रल एटम लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आयरन, ये आयरन, और आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे कितनी आएगी, ये तीन आएगी, एक दो तीन, और ये क्या लिखा है भैया, क्लोराइड, तो डायरेक्ट क्लोराइड आयन लिख लीजिए, क्योंकि जब क्लोरीन आयनिक फॉर्म में होता है तो आयड शब्द का इस्तेमाल लेके आता है। फिर आगे देखिएगा, एक मैं आपको और दे रहा हूं, जरा प्रयास करिए कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आपके पास K3 दिया है, K3 का मतलब पोटेशियम तीन बार दिया है, और CO दिया है, CO का मतलब है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट CO वाला है भैया, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जरा नीचे कमेंट करिएगा कि कितनी होती है, परिवर्तनशील होती है कि नहीं, क्योंकि जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं यानी संक्रमण तत्व पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक में ये आते हैं। अच्छा, ये कोबाल्ट हो गया, और इसी के साथ मैं आपके साथ ये रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं NO2, NO2 का मतलब नाइट्रो ग्रुप, और ये NO2 हो गया, और कितनी बार ले रहे हैं, छह बार। अब आप नामकरण कैसे करेंगे, देखिए अभी तो चीजें बाद में आ रही थी ब्रैकेट के बाद, लेकिन अभी पहले आ रहे हैं, तो ब्रैकेट के पहले आ रहे हैं तो पहले लिख दे, अगर ब्रैकेट के पहले आ रहे हैं तो पहले लिख दीजिए। ये पोटेशियम तीन बार है, तो आप यहां पर बड़े आराम से लिखे पोटेशियम, ये पोटेशियम, ब्रैकेट के अंदर चलिए, कितनी बार है भैया कोई चीज, हेक्सा, यानी छह बार, ये छह है हेक्सा, क्या है छह बार, ये NO2 यानी नाइट्रो, अरे भाई छह बार है हेक्सा नाइट्रो हो गया, और नाइट्रो हो गया तो ये कोबाल्ट, और कोबाल्ट आयनिक फॉर्म में होगा, तो कोबाल्ट आयनिक फॉर्म में होगा तो नाम के बाद ATE यानी एट लगाते हैं, तो यहां पर लिख दीजिएगा कोबाल्टेट, और ये हो जाएगा कोबाल्टेट। अब क्या नाम आपने लिख लिया, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आपकी मदद यहां पे कर दे रहा हूं, ऑक्सीकरण यहां पे क्या हो जाएगा तीन, तो ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से आप नाम लिखिएगा, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में नाम रहेंगे। और इसी के साथ IPSC नाम केवल इतना पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में हूबहू आपको मिलेंगे, और जैसा एग्जाम जाए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अगले वाले टर्न के लिए रिएक्शन आपके सामने होंगे, ढेर सारे रिएक्शन जो कि परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, और आपसे केवल इतना कहा जाता है कि इन प्रश्नों का केवल समीकरण लिखकर समझाइए। तो मिलते हैं अगले वाली टर्न पर अर्थात बहुत जल्द, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायोगुरु विद शिवम त्रिपाठी, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब खेलिए, और जवाब देते रहिए।